हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कोरल ड्रॉ पे 3D फ्लावर बनाना। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे कंट्रोल के साथ, फिर पिक टूल लेंगे, प्लस से कॉपी करेंगे और एक तरफ इसको शिफ्ट करेंगे। अब दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एक प्रॉपर्टी ओपन होगी जिसमें हम लोग थर्ड ऑप्शन यानी कि इंटरसेक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो हमें करना क्या है, पहले ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी डिलीट करना है और जो तीसरा ऑब्जेक्ट नया क्रिएट हुआ है उसमें हम लोगों को कोई कलर करना है। अब पिक टूल लेना है और पिक टूल लेने के बाद अब हम लोग अपना थर्ड ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टूल बार पे जाएंगे और टूल बार में हम लोग सबसे नीचे की तरफ देखेंगे एक टूल है जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी टूल बोलते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को आधा ट्रांसपेरेंट करेंगे, लाइक ऐसे कर सकते हैं। और इसको आधा सेलेक्ट करने के बाद पिक टूल लेंगे, प्लस से कॉपी करेंगे और इसको एक तरफ पलट देंगे। अब पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सी दबाएंगे और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी करेंगे जिससे कि एक पत्ती की तरह दिखाई पड़ रहा है। अब जब ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्रुप हो चुका है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसमें एक सेंटर पॉइंट दिखा रहा है जिसको हम लोग उठाकर नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसके रोटेट पॉइंट को उठाकर आगे ले जाएंगे और राइट क्लिक से रोटेट करेंगे और कंट्रोल आर से रिपीट करेंगे। अब पूरा फ्लावर तैयार है हमारा, पूरा फ्लावर सेलेक्ट कर लेंगे और आउटलाइन हटाने के लिए हमारा 3D फ्लावर तैयार है। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।